गाजियाबाद के केएमपी पर 24 घंटे चक्का जाम को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रात भर किसान नेता ईस्टर्न पेरिफेरल पर मौजूद दिखे। दरअसल केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लगातार विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करने के ऐलान के बाद किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम कर रखा था। किसान शनिवार को ही सुबह 8 बजे से एक्सप्रेसवे पर डटे हुए थे। किसान नेताओं के मुताबिक रविवार सुबह 8 बजे एक्सप्रेसवे को खोल दिया गया। एक तरफ जहां किसानों ने रात गुजारने के लिए टेंट लगाया तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर ही गद्दे बिछाकर किसानों ने मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाई। शनिवार की रात किसानों ने एक्सप्रेसवे पर ही गुजारी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन समेत कई किसान नेताओं ने एक्सप्रेसवे पर ही रात गुजारी।